Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Sam. और आज के इस वीडियो के अंदर गाइज अपन बात करने वाले हैं GTA 6 के बारे में। भाई आज तो सच में रिकॉर्ड ही टूट गया, मैं GTA 6 के बारे में 7 महीने बाद बात करने वाला हूँ। लास्ट जो GTA 6 की वीडियो थी ना गाइज, उसके अंदर अपन ने GTA 6 के ट्रेलर को ब्रेक डाउन किया था। उसके बाद से अपन ने चैनल के ऊपर एक भी GTA 6 की वीडियो नहीं बनाई, जिससे यह प्रूव हो जाता है कि अपना चैनल GTA 6 के दम पे नहीं चल रहा। खैर ये तो हो गई मजाक की बात। आज के इस वीडियो के अंदर गाइज अपन बात करने वाले हैं GTA 6 के ऑनलाइन वर्जन के बारे में। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों GTA 6 का जो ऑनलाइन वर्जन होगा ना, वो GTA 5 के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं चलेगा। कहने का मतलब, जितना ज्यादा सक्सेसफुल GTA 5 का ऑनलाइन वर्जन रहा था ना, शायद उतना सक्सेसफुल GTA 6 का ऑनलाइन वर्जन नहीं रह पाएगा। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना एंड एक चीज दिमाग के अंदर रखना कि ये जो वीडियो होने वाली है ना गाइस, वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस एंड अजम्पशंस पे बेस्ड होने वाली है एंड इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो प्लीज वीडियो पूरी देखना, एक भी पार्ट मिस मत कर देना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के बारे में बात करना। अब देखो यार, आई नो आई मे साउंड स्टूपिड, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो GTA 6 का ऑनलाइन वर्जन होने वाला है ना, वो GTA 5 के कंपैरिजन में इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। एंड शायद ऐसा इसलिए क्योंकि यार अपन लोग ना बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं GTA 6 से कि GTA 6 के अंदर ये होगा वो होगा, GTA 6 तो भगवान जैसा गेम होगा, मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं। बट जहां तक मुझे लगता है ना, GTA 6 इतना ज्यादा एडवांस भी नहीं होगा जितना अपन लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। एंड ये बात रॉकस्टार गेम्स के एक एक्स डेवलपर ने भी बोली थी कि जो GTA 6 है ना, वो GTA 5 से इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। एंड आई थिंक इस चीज से उसका मतलब यह था कि भले वो गेम ग्राफिकली बहुत ज्यादा अहेड हो अपने टाइम से, लेकिन गेम प्ले वाइज GTA 5 एंड GTA 6 के अंदर जो डिफरेंस होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल होगा। एंड अगर ऐसा होता है ना गाइज, तो आई एम डैम श्योर कि जो GTA 6 का ऑनलाइन वर्जन है ना, वो भी इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा GTA 5 के कंपैरिजन में। एंड अगर सच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा ना, तो लोग बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज करेंगे GTA ऑनलाइन के अंदर से। क्योंकि यार तुम खुद सोचो कि अगर GTA 5 के गेम प्ले एलिमेंट्स अपने को GTA 6 के अंदर देखने को मिलेंगे, तो लोग क्यों ही इंटरेस्ट लेंगे इस गेम के अंदर, क्योंकि ये सारी चीजें तो वो GTA 5 के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं, तो क्या ही मजा आएगा फिर GTA 6 के अंदर। नाउ आई नो कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई GTA 5 का भी तो जो ऑनलाइन वर्जन है ना, वो कितना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। जी हाँ भाई, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट आपको यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो GTA 4 एंड GTA 5 के ऑनलाइन वर्जन थे ना, उनके बीच जो डिफरेंस था ना गेम प्ले का, वो बहुत ज्यादा बड़ा था। जहां GTA 4 का जो ऑनलाइन वर्जन है ना, वो बहुत ज्यादा सिंपल सा था एंड अपन बेसिक चीजें कर सकते थे, वहीं GTA 5 का जो ऑनलाइन वर्जन था ना, वो बहुत ज्यादा एडवांस था। इट वॉज मोर लाइक रियल लाइफ सिमुलेटर बैक इन द डे। तो लोगों को कुछ नया देखने को मिला था GTA 5 के अंदर, इसलिए लोगों ने GTA ऑनलाइन को इतना ज्यादा एंजॉय किया। बट अगर रॉकस्टार गेम्स के एक्स डेवलपर की अपन बात माने, तो GTA 5 एंड GTA 6 के अंदर डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होने वाला। दैट मींस कि जो GTA 6 का ऑनलाइन वर्जन होगा ना, वो भी काइंड ऑफ सिमिलर ही होगा GTA 5 के ऑनलाइन वर्जन से। हाँ, थोड़ा बहुत पॉलिश्ड हो सकता है GTA 5 के कंपैरिजन से, लाइक GTA 5 के अंदर बहुत सारे सर्वर के इश्यूज थे, हैकिंग वगैरह इनके इश्यूज थे, शायद ये चीजें फिक्स हो सकती है। बट जो एक्चुअल में गेम प्ले का डिफरेंस होगा ना, वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल होगा। एंड शायद रॉकस्टार गेम्स इस चीज के लिए गेमर से गालियां भी खा सकता है, क्योंकि जो लोग है ना, वो बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं रॉकस्टार गेम्स से कि GTA 6 में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, धमका होना चाहिए। एंड उन लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स ने बैक टू बैक मास्टरपीस गेम्स बनाए हैं। तो ऑब्वियसली यार, लोगों की जो उम्मीद है ना, वो तो बढ़ेगी कि अगर रॉकस्टार गेम्स RDR 2 के साथ ऐसा कर सकता है, GTA 5 के साथ ऐसा कर सकता है, तो GTA 6 के साथ क्या नहीं कर पाएगा। एंड ये उम्मीद ही लोगों को आने वाले टाइम में निराश करने वाली है, क्योंकि यार इस चीज की पूरी दुनिया गवाह है कि जिस चीज की अपन सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं ना, वही हमेशा बेकार निकलती है। अब देखो यार, यहाँ पे ना तो रॉकस्टार गेम्स की गलती, ना ही गेमर्स की गलती, क्योंकि रॉकस्टार गेम्स की गलती तो इसलिए नहीं है क्योंकि यार शायद उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज ना हो कि वो अल्ट्रा रियलिस्टिक गेम बना सके। रिसोर्सेज से मेरा मतलब पैसा नहीं है, रिसोर्सेज से मेरा मतलब ये है कि शायद वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे अल्ट्रा रियलिस्टिक गेम्स बन सके। एंड लोगों की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि रॉकस्टार गेम्स ने काम ही इतने अच्छे अच्छे किए हैं, तो लोगों को तो उम्मीद होगी ही ना इनसे। एंड ये चीज तो अपन सब लोग जानते हैं कि जब अपनी उम्मीद टूटती है तो बहुत बुरा हर्ट होता है भाई। तो इससे बढ़िया ये है कि न्यूट्रल रहो, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उनको बहुत कम रखो, क्योंकि जो जितनी ज्यादा उम्मीद करेगा वो उतना ज्यादा ही निराश होगा। कई बार तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि मैं जितने भी नए गेम्स आते हैं ना, उनको सबको अप्रिशिएट करता हूँ। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि यार मैं किसी भी गेम से कुछ भी उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उम्मीद तो तब रखेंगे ना जब वो अपने को कुछ कमा के देगा। अपना जो सीन है ना, वो सिंपल सा है, अगर आपको गेम फन लगे तो खेल लो, ना लगे तो भाई डिलीट कर दो, सीधी सी बात है। बाकी देखो यार, मुझे रॉकस्टार गेम्स पे इतना तो भरोसा है कि वो इतनी अच्छी चीज तो बनाएंगे कि लोगों को पसंद आएगी। बाकी यार देखो, आजकल के गेमर्स को तो आप लोग भी जानते हो कि छोटी छोटी
चीजों को लेके पतंगड़ बना देते हैं। एंड ऐसा सीन GTA 6 के साथ भी होगा एंड बहुत तगड़ा होगा। बहुत सारे गेमर्स छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, बहुत बैड पब्लिसिटी भी होगी GTA 6 की। खैर जो भी हो, इतना मैं श्योर हूँ कि जो GTA 6 है ना, वो GTA 5 के कंपैरिजन में अर्निंग तो बहुत ज्यादा ही करने वाला है, क्योंकि 2013 के कंपैरिजन में आज के टाइम में बहुत ज्यादा गेमर्स हैं एंड जो गेमिंग का क्रेज है ना, वो पीक लेवल पे है। इवन अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज के अंदर भी लोग गेम्स के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे यह प्रूव हो जाता है कि जो गेमर्स का नंबर है ना, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है 2013 के कंपैरिजन में। एंड अगर गेमर्स का नंबर इंक्रीज हुआ है तो GTA के फैंस भी ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे ही। तो देखो, ये तो सिंपल सी बात है कि जो GTA 6 है ना, वो GTA 5 का रिकॉर्ड तो तोड़ देगा पैसे के मामले में, लेकिन जो मेन चीज है ना, वो ये है कि GTA 6 कितना लंबा चलेगा, क्योंकि GTA 5 को तो 10 ईयर से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड अभी तक चल रहा है। बट शायद GTA 6 इतना लंबा ना चले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि GTA 6 के अंदर GTA 5 के ही गेम प्ले एलिमेंट्स होने वाले हैं, तो शायद लोग जल्दी बोर हो जाए। खैर ये तो देखने वाली बात होगी, बट मैंने जो अपने ओपिनियंस थे ना, वो शेयर कर दिए कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो GTA 6 है ना, वो इतना ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। बाकी देखो यार, ये सब चीजें ना रॉकस्टार गेम्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वो GTA 6 के अंदर क्या क्या नई चीजें लाते हैं एंड गेम को कितना ज्यादा एडवांस बनाते हैं GTA 5 के कंपैरिजन में। अगर गेम को एडवांस बनाएंगे तो गेम ज्यादा चलेगा, एंड एडवांस नहीं बनाएंगे तो इतना ज्यादा नहीं चलेगा। बाकी आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस बताओ कि क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं। अगर एग्री करते हो तो क्यों करते हो, एंड एग्री नहीं करते तो क्यों नहीं करते। मैं आपकी सबकी कमेंट्स का वेट करूंगा एंड आई होप कि यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।